देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। यमुना आज दिल्ली दर्शन कर रही है और दिल्ली के लोग आज यमुना के दर्शन कर रहे हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। जिस नदी को लेकर दिल्ली बेखबर रहती है, वो नदी आज दिल्ली की खबर ले रही है। यमुना में पानी के लेवल का 45 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। 6 सितंबर 1978 को यमुना का जलस्तर 207 मीटर रिकॉर्ड किया था, तो वही बुधवार को 208 मीटर पार कर गया। क्योंकि 1978 से लेकर 2023 तक हम यमुना को भूलते चले गए। वही आपको बता दें कि यमुना केवल दिल्ली में नहीं बहती है, पंजाब हरियाणा के कई इलाकों से गुजरती है और वहां भी बाढ़ की स्थिति भयावह है। लेकिन राजधानी दिल्ली पर इस सदी का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दिल्ली डूब रही है। यमुना की लहरें रिहायशी इलाकों में पहुंचकर मुसीबतों का अंबार खड़ा कर रही है। लाल किले तक पानी पहुंच चुका है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। हरियाणा के हथीनी कुंड बैराज से जब भी पानी छूटता है तो दिल्ली पर गंभीर खतरा आ जाता है। दिल्ली में यमुना नदी का ऐसा विकराल रूप कभी नहीं देखा गया है, इस बार जो दिख रहा है। हालात इतने गंभीर बन चुके हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। अब तो पानी अपनी सारी मर्यादा को पार करता दिखाई दे रहा। लाल किले की ये तस्वीरें कभी नहीं देखी गई, लेकिन यमुना इतनी विकराल हो चुकी है कि उसकी लहरें लाल किले के बाहर तक आ चुकी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है। 11,000 लोग पर संकट आया है, लोगों को राहत कैंपों में रखा गया है। ऐसे में दिल्ली में शनिवार को हुई बारिश ने स्थिति और खराब कर दी है। ट्रैफिक अलर्ट जारी करते हुए पुलिस ने कहा कि गुरुग्राम रोड, तीन मूर्ति मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग जैसे रास्तों पर जल प्रभाव है। पुलिस ने लोगों से इन रास्तों से बचने की सलाह दी। कुछ वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। दिल्ली में बाढ़ के बीच ट्रैफिक का ताजा अपडेट देखिए। रिंग रोड मजनू कटीला, ISBT, शांति वन आईपी, फ्लाईओवर से आईपी डिपो दोनों कैरिज पे, आईपी फ्लाईओवर के पास निजामुद्दीन से राजघाट वाले कैरिज पे पर सिवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। रिंग रोड पर ट्रैफिक प्रभावित है। लोगों को शांति वन, राजघाट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग से होते हुए जाने की सलाह दी गई है। रिंग रोड पर रजौरी गार्डन से पंजाबी बाग जाने वाले रास्ते पर भी ट्रक खराब हो जाने से ट्रैफिक फंसा हुआ है। रिंग रोड आईपी डिपो से आईपी फ्लाईओवर से ISBT कैरिज पे पुराना लोहे का पुल, पुस्ता से शमशान घाट, सलीमगढ़ बाईपास, भैरव मार्ग पर रेलवे ब्रिज के नीचे पानी भरा होने के चलते ट्रैफिक प्रभावित है। वही आउटर रिंग रोड मुकरबा चौक से विजाराबाद कैरिज वे कश्मीरी गेट इलाके में भारी जल जमाव है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लाल किले के आसपास का इलाका भी बाढ़ से प्रभावित है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। वही बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से जारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वही राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान वर्षा जनित हादसों में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 11 जिलों की 17 तहसीलों में स्थित 346 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और कुल 78,693 लोग सैलाब से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 4,242 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में वर्षा जनित हादसों में 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें फारुखाबाद, बलरामपुर, कानपुर नगर और बागपत में एक एक व्यक्ति शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के मद्देनजर राज्य के सभी सांसदों, महापौरों, स्थानीय पार्षदों और नगर आयुक्तों को अपने अपने क्षेत्रों के रेगुलेटरों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। वही अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश होने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
ऐसे में लोगों से अपील है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।